यहाँ हम दो फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल पर आने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन में क्या होता है। मैक्सिमम मैक्स यह फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू डाटा वाले लिस्ट से चुनता है, हाईएस्ट वैल्यू डाटा वाले लिस्ट से चुनता है। मिनिमम MIN यह फंक्शन लोएस्ट वैल्यू डाटा वाले लिस्ट से चुनता है। इसका जो है सिंटेक्स मैक्स का, तो मैक्स इज इक्वल टू मैक्स रेंज 1, 2, 3 करते हुए ये अप टू रेंज 30 तक हो सकता है। उसी तरह मिनिमम का सिंटेक्स मीन MIN रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 डॉट 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 करते हुए रेंज 30 तक ये हो सकता है, रेंज 30 तक ये हो सकता है। चलिए अब एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। ये एक टेबल है जो कि सिंगल रो टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही रेंज का यूज किया गया है, C4 to G4। ऐसा ऐसा इसके अंदर 30 रेंज हो सकते हैं, जैसा कि सिंटेक्स में दिखाया गया है। ये मैक्सिमम C4 से G4, इसमें क्या होगा कि C4 से G4 के रेंज में कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले होगा इस फॉर्मूला से। आप देख सकते हैं 700, चलिए मैनुअली मिला के, क्योंकि ये टेबल छोटा है इसलिए मैनुअली इसमें मिलाया जा सकता है। चलिए मैनुअली मिलाकर देखते हैं क्या ये सही बता रहा है या फिर गलत। तो पहला वैल्यू को देखें, 100 700 से छोटा है। दूसरा वैल्यू 500 700 से छोटा है। तीसरा वैल्यू 450 ये 700 से छोटा है। चौथा वैल्यू खुद 700 है जो कि खुद मैक्सिमम है, और लास्ट वाला वैल्यू 600 है जो कि 700 से छोटा है। तो इसलिए यहाँ पर 700 ही डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हैं। दूसरा वाला रो जो है मेरा डेट का रो है, तो डेट वाले में जो रिसेंट का डेट होता है वही सबसे बड़ा वैल्यू होता है। आप देख सकते हैं यहाँ 1 दिसंबर 2020 है, तो यह 1 दिसंबर 2020 के सारे डेट इसके पहले के होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 1 जनवरी 2020, ये जनवरी महीना है, तो ये दिसंबर से पहले का है, ठीक है। ये दिसंबर, ये खुद एक हाईएस्ट वैल्यू है जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। 9 सितंबर 2020 से सितंबर दिसंबर के पहले वाला है, मार्च दिसंबर के पहले वाला है, अगस्त दिसंबर के पहले वाला है, इसलिए यहाँ पर 1 दिसंबर 2020 ही डिस्प्ले होना सही है। अब ठीक उसी तरह से मिनिमम, जिस तरह मैक्सिमम निकला है उसी तरह से मिनिमम, सिर्फ अंतर यही है ये सबसे बड़ा वैल्यू है और ये सबसे छोटा वैल्यू है। जो ही मैं इस रेंज में मिनिमम की वैल्यू लगाया तो ये इस रेंज में सबसे छोटा वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 100 ये तो सबसे छोटा वैल्यू है ही, 500 इससे बड़ा है, 450 इससे बड़ा है, 700 इससे बड़ा है, और 600 भी इससे बड़ा है। वहीं सेकेंड वाले में आप डेट को देख सकते हैं, मेरा डेट है 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 जो है सबसे छोटा है, मतलब डेट सारे इसके बाद ही आने चाहिए। जैसे 1 दिसंबर 2020 इसके बाद का डेट है, 9 सितंबर 2020 इसके बाद का डेट है,
12 मार्च 2020 इसके बाद का डेट है और 23 अगस्त 2020 इसके बाद का डेट है। आप देख सकते हैं ये तो मैक्सिमम और मिनिमम का कुछ एग्जाम्पल था और इस एग्जाम्पल से आप लोग का मैक्सिमम एंड मिनिमम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।